मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव एनके पंडित ने जोनल अस्पताल की कार्य प्रणाली पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो अस्पताल खुद ही बीमार पड़ा हो वहां मरीजों का इलाज कैसे हो पाएगा। उन्होंने शहर की एक मरीज का हवाला देते हुए कहा कि अस्पताल में उपचाराधीन मरीज को ऑपरेशन की ड्रेस पहना दी गई और करीब सुबह 10 बजे अस्पताल ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए संबंधित डॉक्टर के ना होने का हवाला देते हुए उसे दूसरे अस्पताल में ले जाने की बात कही। उन्होंने कहा संबंधित डॉक्टर पूर्व सरकार के समय से छुट्टी पर है, इसीलिए मरीज व उसके तीमारदार किसी दूसरे अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए चले जाएं। एनके पंडित ने कहा कि उन्हें मजबूरन एक निजी अस्पताल में हजारों रुपए खर्च करके ऑपरेशन करवाना पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि इस मुद्दे पर कड़ा संज्ञान ले लिया जाए और अस्पताल में रिक्त पड़े डॉक्टरों के पद भी जल्द भरे जाएं। सरकारी हॉस्पिटल खुद ही बीमार हो वो दूसरों का क्या इलाज करेगा। सरकारी हॉस्पिटल की जो यहाँ डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, उनका भी पेशेंटों के प्रति कोई अच्छा व्यवहार नहीं है। वो बदतमीजी से पेशेंटों के साथ पेश आते हैं। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को यही बोलना चाहता हूँ कि कृपया करके आप इस हॉस्पिटल की सुध लें और यहाँ बेहोशी के डॉक्टर्स का इंतजाम किया जाए ताकि मरीजों को यहाँ सुविधा मिले। किसी अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा के प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो है करोड़ों रुपए की चांदी कूट रहे हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री जी, हिमाचल की तमाम सरकार से मैं यही गुजारिश करता हूं कि इस हॉस्पिटल में, मंडी का जो जोनल हॉस्पिटल है, इसमें बेहोशी के डॉक्टर्स की तुरंत तैनाती की जाए।